हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। नाउ टुडे आई विल सॉल्व ए क्विज ऑन क्यूब एंड इंडेक्स। प्रश्न में लिखा हुआ है घन धन घातांक के रूप में लिखिएगा, पॉजिटिव इंडेक्स यानी पावर जो है आपकी पॉजिटिव में आनी चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में पावर लिखा हुआ है x पावर माइनस 3। अब आप इसको सब सॉल्व करेंगे तो इसकी ये पावर पॉजिटिव में आपको लानी है। तो हमने आपको बताया था अगर कोई भी इंडेक्स निगेटिव होता है तो उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम बना देते हैं। अब आप यहाँ पर व्युत्क्रम बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, व्युत्क्रम बनाने पर आप यहाँ देखते हैं 1/x और पावर 3। अब इसको आपको ये आपका आंसर भी हो गया और जो उन्होंने डिमांड की थी उस डिमांड के अनुसार आपकी जो घातांक है वो धन हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप यहीं पे देखिएगा आपका लिखा हुआ है 2x पावर माइनस 3। तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर टेन में आपका थोड़ा सा ही डिफरेंस आया है। क्या है डिफरेंस आप देख लीजिएगा, 10 नंबर में 2x पावर माइनस 3, 2 से आपका कोई मतलब नहीं, सेम वही क्वेश्चन है, केवल 2 को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर 2/x पावर 3 निगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव इंडेक्स में चेंज करने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये आपका इसका आंसर बन जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, उसको आप देखिए किस तरह से आपको सॉल्व करना है। 2/a पावर माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन, 2/a पावर माइनस 1, क्या आप लिख सकते हैं इसको 2/a पावर माइनस 1। तो ए की जो पावर निगेटिव में आ रही है इसको आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो ये पावर आपकी ऊपर आ जाएगी। ये आपका ए जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी, और पॉजिटिव 1 लिखा नहीं जाता है। तो ये आपका अगले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, x पावर माइनस 3 और 2x पावर माइनस 1 सेम ही क्वेश्चन है। अब आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है। उसने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1000/64 पावर माइनस 2/3, 1000/64 पावर माइनस 2/3। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, क्या आपको मिलता है यहाँ पर। जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आप पहले से 2 से डिवाइड कर सकते हैं और इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 वाली भी बात जितना भी हमने आपको बताई थी, अगर लास्ट के 2 0 हैं तो वो संख्या 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। चलिए हम इसको पहले 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 3 0 हैं तो 8 से भी डिवाइड हो जाएगी, और नीचे वाला नंबर तो आपको दिख रहा है 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 8 या 64, और इसको आप 8 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या निकल के आता है, 8 1 8, ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपका बचा यहाँ पर 220 हो गया, 8 2 16, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब आपका बचा 0 8 5 40, तो अब आप इसको लिख सकते हैं 125/8 होल पावर माइनस 2/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 125 और 8, इन दोनों को आप अभाज्य गुणनखंड, इनके आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर, 5/2। ये 5 का भी पावर 3 है और 2 का भी पावर 3 है, तो इसको होल पावर आप 3 लिख देते हैं, और इसके ऊपर जो पावर आ रही है वो पावर है आपकी -2/3। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 5/2 पर जो पावर है 3 और -2/3, इन दोनों का
मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3 से 3 डिवाइड, और आंसर जो आपका आएगा 5/2 power -2। और ये जो -2 है इसको आप जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, 2/5, और इसका आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पर 2 की जगह आपका 4 आ जाएगा और 5 की जगह 25, 5 5 जा 25। तो ये रहा आपका अगला आंसर। क्या था इस क्वेश्चन में, आपकी जो पावर थी वो पॉजिटिव हो गई और उसको सॉल्यूट इवेल्यूएट भी कर दिया हमने, तो आपका आंसर आया 4/25। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 4/3 a power -1/6। अगर सॉल्व हो सकता है तो आप सॉल्व कर दीजिए, अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल, जितना भी कैंसिल हो सकता है कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैं अब यहीं पे आपका ये क्वेश्चन करता हूँ, 4/3 a power -1/6। ये रहा आपका क्वेश्चन, 4/3 a power -1/6। चलिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जैसे जो आपको 4/3 लिखा हुआ है ये तो आपका न्यूमेरिक है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब आपकी जो प्रॉब्लम जो सॉल्व होगी वो किससे होगी, ए से, ए की पावर -1/6 है, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल अपान में है, यानी हर है, तो अंश हो जाएगा, अंश है तो हर, तो ये हर था यहाँ पर आके अंश हो गया। अब इसकी पावर जो होगी 1/6 हो जाएगी, और 1/6 को आप सॉल्व कर नहीं सकते, सिर्फ इसी को ऐसे ही लिख सकते हैं। तो आपका ये जो है 13 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 था ये आपका, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन, क्या है 14 क्वेश्चन में, इसको आप देखते हैं, 2a power 1/3 upon 5b power -1/2 c power -1/2, इन सभी को आपको सॉल्व करना है। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आपका क्वेश्चन 15 तो वेरी इजी है, इसका तो आंसर आप यहीं हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 x power -4 है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1/x power 4। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, 2a power 1/3 upon b power -1/2 और c power -1/2, अभी कुछ छूट गया है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है आपका 5 और सी और 5 बी, ठीक है जस्ट, ये रहा आपका, यहाँ पे आपका 5 हो रहा है। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्या है क्वेश्चन में, 2a power 1/3, सेम यहीं पर आपका क्वेश्चन हो सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले आप नंबर को अलग कर लें, 2/5। अब रहा आपका a की पावर 1/3, ये तो आपका पॉजिटिव है, इसमें तो आप कोई छेड़छाड़ करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप b को आप ऊपर ले आएंगे तो b आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b की पावर 1/2 और इंटू c की पावर भी 1/2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, नाउ यू कैन राइट द सेम वे, 2/5, ये अलग है इसको, उस क्वेश्चन का पार्ट है ये आपका, 2/5 a power 1/3 इंटू बी और सी दोनों का पावर 1/2, ये रहा आपका 15 क्वेश्चन। और आपका एक और क्वेश्चन था लास्ट वाला 15 क्वेश्चन, उसको आप कैसे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, x power -4। अब आप इसको क्या करेंगे, ये निगेटिव पावर है, आपको चाहिए पॉजिटिव इंडेक्स में, तो आप इसको 1/x power 4
में कन्वर्ट कर देंगे। आपको आंसर में क्या लाना था, जो पावर है वो आपको पॉजिटिव में लानी थी। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको पसंद आता है आप दोस्तों को भी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में उसके बारे में आप एक्सरसाइज का फोटोग्राफ भी दे सकते हैं। मैं आपको गारंटी से बहुत ही सरल तरीके से समझा के देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।